नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कैलाश और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सीमा इलेक्ट्रिकल्स। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो ये कूलर की किट है और ये 600 की है, ये अमूमन कूलर में लगती है, बाकी इसको जो है जुगाड़ करके छत में टांगने का जुगाड़ बनाया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी कमी की, इसमें कमी क्या है जिसको हम रिपेयर करेंगे। तो इसमें कस्टमर का कहना है जो ये आधे घंटे चलने के बाद जो है हल्की स्पीड जो है धीरे धीरे कम होते होते ये बिल्कुल जाम हो जाता है। तो जाम होने के बाद जो है ये पूरा बंद हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो आइए इसको खोल के देखते हैं कि इसमें और क्या कमियां हैं। तरीके से ये निकलेगा, अगर हम इसको झटके से खींचेंगे तो तार टूटने का डर रहेगा। ये देखिए मैंने निकाल लिया है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने इसे खोल लिया है। तो सबसे पहला हमें जो काम करना है इस मोटर को चेक करना है, यानी अगर इसमें कोई कमी हो गई तो हमारी वो बुश बदलने की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इस भी आप बात का हमें ध्यान रखना है, कोई भी हम मोटर खोले चाहे पंखा हो चाहे किट हो चाहे एडजस्ट हो, तो सबसे पहले हमें उसकी मोटर चेक करनी है, उसके बाद ही हमें कोई बैरिंग वगैरह या बुश वगैरह कोई भी जो चीज़ हम बदलें वो चीज़ हमें बदलनी है। तो आइए सबसे पहले मैं इसे चेक कर लेता हूँ। ये कंडेंसर की हमारी वायर अलग है और मेन वायर अलग है, दोनों में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंडेंसर में हमारी कम होनी चाहिए और जो मेन की है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। ये देख सकते हैं जैसे कि आप में ये बल्ब है, इसमें थोड़ा रेजिस्टेंस कम बताएगा और इसमें देख सकते हैं आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। ये हमारी मेन है करंट की और कंडेंसर की ये अलग है। इसकी बॉडी भी देख लेंगे हम। दोस्तों ये हमारा बिल्कुल सही है। तो आइए जो काम हमें करना है वो करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, इसको हम अब साइड में रख देंगे, हमें काम करना है इस पर। इसमें कमी क्या है कि ये चलता है, आधे घंटे चलता है और चलते चलते धीरे धीरे स्पीड कम होकर जाम हो जाता है और ये बंद हो जाता है। तो इसमें कमी जो है दोस्तों सिर्फ बुश की है। शापट हमारी बिल्कुल ठीक है तो हम इसके बुश बदलेंगे। आइए किस प्रकार बुश बदलते हैं मैं उसको आपको दिखाता हूँ। तो आइए दोस्तों जो है हम सबसे पहले इसके रिपीट काटेंगे। रिपीट काटने के लिए मेरे पास ये जो डाई है मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाई थी और लगाने की भी डाई है, रात का समय मैं दुकान में से उसको ला नहीं पाया तो इसलिए मुझे इसी पे काम करना पड़ेगा। रिपीट काटने के लिए मैं सुम्मी और हथौड़ी का यूज़ करूँगा। ये देखिए आराम से कट गया, इसे अब हम हटा देंगे। इसका भी हम इसी तरीके से बुश काट लें, रिपीट काट लेंगे। दाई का कमाल, कितनी आसानी से बुश कट गया, रिपीट कट गया मेरा। रुका इसमें फंस गया है, मैं इसे निकाल लूँगा प्लास्टिक में से। तो देख सकते हैं मेरे जो ये बुश है ये निकले हैं, ये थर्ड क्लास के बुश हैं, लोहे के बुश हैं। अब जो मैं इसमें दूसरे बुश यूज करूँगा जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ट्रिपल एस कंपनी के हैं बुश जो मेरे हैं, 198 नंबर है इसका और ये बढ़िया बुश होते हैं, ये पीतल के अंदर हैं। और जो मैंने पहले ले रखे थे वो लोहे के हैं, ये बहुत अच्छे चलेंगे, इनकी चलने की जो क्षमता है बहुत अच्छी है, ये अच्छी स्पीड भी देते हैं, अच्छी चिकनाई होती है इनके अंदर, अच्छा बहुत अच्छा माना जाता है, मार्केट में फेमस है, तो मैं इसका यूज़ करूँगा। तो आइए लगाने का तरीका इस प्रकार है। बुश रखने के बाद नमदा रखूँगा मैं, नमदा देख सकते हैं आप पूरा सूख चुका है, यही कारण है जो बुश जो पहला वाला हमारा था वो ख़राब हो चुका। ये मैंने नमदा रखा
और उसके ऊपर से जो है बुश लगाने का मेन तरीका जो है ये, इसमें एक कट बना रहता है जो स्प्रिंग का एक तरफ मोटा हिस्सा रहता है और एक तरफ पतला रहता है। पतला वाला जो इस कट पे जाकर के ऐसे बैठेगा, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है बिल्कुल। हमें ऐसा नहीं लगाना है उल्टा, ये जो रहेगा हमारा ये बाहर नीचे की साइड रहेगा और ये जो रहेगा ऊपर की साइड, और ऊपर से ये इसको दबा के प्रेस करेगा, ये हमेशा दबा रहेगा, इसका हमें ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये मैंने इसमें लगा लिया, एक ये नमदा दूसरे नंबर पे, और एक ये हमारी पतला वाला हिस्सा मैंने नीचे रख लिया है दोस्तों। एक रिपीट मैं यहाँ से डालूँगा और दूसरी रिपीट सामने वाली। इसका कवर जो है बुश का, ये मैंने सीधा रख लिया है। ये देखिए मेरे दोनों आराम से बाहर आ चुके हैं। अब इसको मैं हथौड़ी की मदद से पीट लूँगा। ये देखिए मेरा चपटा हो गया आराम से। ये देखिए मेरा अच्छी तरीके से लॉक हो गया। अब इसमें हम चार रिपीट जो आराम से लगा सकते हैं, आमने सामने लगाने का यही बेनिफिट होता है हमें, जो दोबारा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। ये देखिए ये भी हो गया, इसमें छः रिपीट लगते हैं दोस्तों टोटल। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने दोनों का बदल दिया है, बहुत ही आसानी से बदलने का तरीका आपको बता ही दिया है। अब सबसे पहले जो है हमें बंद करने से पहले हमें इसको ऑयलिंग करनी होगी। ऑयलिंग अगर हम कोई भी मोटर खोलेंगे तो उसमें ज़रूर करेंगे। किट के नमदों में इसको नमदा बोला जाता है, जो इसके अंदर रुइयाँ थी, तो उसको ज़रूर हम ऑयलिंग करेंगे। उसको लगभग पूरा गीला कर देंगे ताकि इसमें नमी बनी रहे और ये जल्दी ख़राब ना हो। देखिए मैं अच्छी तरह डाल दिया है, इसमें भी डाल देंगे हम उसी तरह से। कोई भी मोटर अगर खोल लो तो आप उसमें ऑयलिंग ज़रूर करनी है, चाहे एपी मोटर हो चाहे कुछ हो। बैरिंग वालों में तो ग्रीस डालनी पड़ती है, और जो बुश वाला जो भी आइटम होगा उसमें हमें मोबिल ऑयल का प्रयोग करना है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो आइए मैं इसको फिट करता हूँ। सबसे पहले हमें इसके जो बुश वगैरह देख लेने हैं सीधे करके। ये देखिए बिल्कुल सीधा हो चुका है मेरा बुश। ठोकते समय हल्के फुल्के टेढ़े रहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हल्का उस तरफ भाग रहा है, इसको भी मैंने सीधा कर लिया, एकदम आसानी से हो गया। तो आइए मोटर फिट करने मैं के बारे में बताता हूँ, मोटर किस तरीके से फिट होगी दोस्तों। मैं मोटर है, मैंने इसको चेक कर लिया था, मैं आपको एक बार फिर से चेक करके बताता हूँ, कहीं कोई कमी रखने में इधर उधर तो नहीं हो चुक गई। तो हमें इसको एक बार खोलते समय एक बार बंद करते समय चेक करना है। ये हमारा बिल्कुल ओके है, ये भी बिल्कुल ओके है। बॉडी भी हम देख लेंगे, बॉडी नहीं आ रही, दोनों तार से देख लेंगे, बिल्कुल ओके है। तो आइए इसको फिट करते हैं। फिट करने के लिए जो है ये दो पॉइंट देख रहे हैं, इसमें से तार बाहर निकलेगी, तो जैसा कि यह है तो मतलब मेरी एक तार इधर से, मेरी एक तार यहाँ से और एक तार यहाँ से निकलेगी। तो हमें इस तरीके से रखना है, और इसको जो पलट के है सबसे पहले हमें वायर डालनी है इनके अंदर। ये मेरी एक वायर डल चुकी है, वायर को बराबर कर लेंगे, छोटी बड़ी अंदर ना रहे वरना दिक्कत हो सकती, कट जाएंगी ये। सेम उसी प्रकार जो हमारा हमें ये भी कर लेनी है। ये देखिए मेरी ये भी बाहर वायर बाहर आ चुकी है, इसको हम पूरा पूरा खींच लेंगे, ज़्यादा ना खींचे दोस्तों, कहीं अंदर से ना खींच जाए। अब जो हमें ये जो छेद हैं और ऊपर वाले छेद हैं, चारों को अच्छी तरीके से मिलाना है। सबसे पहले पीछे से मिला करके एक बार हम एक सलाई डाल करके इसको देख लेंगे। ये देखिए मेरा अच्छी तरीके से बैठ चुका है, हल्का इसे ठोक लेंगे जो इसके अंदर ये जाम हो जाए।
तो आइए सबसे पहले इसमें रोटर डालते हैं। रोटर जब हम डालेंगे तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, रोटर हमारा जो है दोनों के बीच में रहे। अगर ये नहीं जा रहा है तो हम इसको उल्टा करेंगे, इसमें डाल करके, ये देखिए हल्का टेढ़ा है तो इसको इस तरीके से हमें सीधा कर लेना है। ये देखिए मेरा सीधा हो गया, इसको दोस्तों फिट करते समय हमें ये सावधानी ध्यान रखना है कि ये जो ये इसे रोटर बोलते हैं और ये स्टेटर हैगा, ये जो स्टेटर और रोटर जो है एकदम साइज़ जो है बीच में एकदम बराबर होना चाहिए, ना कि हमारा ऊपर होना चाहिए ना ही ज़्यादा नीचे होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे हो गए तो हम ये जो वार्सल है ऊपर और नीचे कर सकते हैं, बीच में सेट करने के अनुसार जो है हमें ऊपर नीचे कम करने होंगे। तो ये मेरा बिल्कुल एक्यूरेट है, तो इसमें मैंने डाल दिया। अब मैं ऊपर से दूसरा कवर लगाऊंगा। कवर दूसरा लगाने के लिए हमें जो छेद पहले देख लेने हैं उसी छेद पर मिलाना है। मेरे ये और दो, ये पहला और ये दूसरा जो छेद काम के हैं, तो मैं उसी प्रकार जो इसको सामने उसी पे ही रख लूँगा। ये मेरा हो चुका। ये जैसे हल्की ये प्ले है, इसको कम करने के लिए क्या है हमें वार्सल डालने पड़ेंगे। मैं वार्सल का यूज़ करूँगा। अगर इस तरीके की प्ले है तो आप वार्सल डाल के इसको सही कर सकते हैं। दो वार्सल डाल रहा हूँ मैं, हल्का टाइट भी होगा ये। देखिए हो गया मेरा, ऐसे मैं वार्सल डाल चुका हूँ। फिर से इसे बंद कर दूँगा, थोड़ी प्ले होगी लेकिन वो प्ले जो हमें टाइट करने के बाद जो मेरी प्ले ख़त्म हो जाएगी वो भी। अब इसके अंदर हमें सलाई डाल लेनी है। देख सकते हैं आप, मैंने आराम से सलाई डाल ली। अब दो पे ये हम बिल्कुल टाइट कर देंगे पहले इसे, फिर हम चारों पेंच कसेंगे। दो पेंच हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से कैसे कस लेने हैं, दो जो है बाद में कसने हैं, पहले हमारा ये पता चल जाएगा कि ये सही से फिट हुआ है या नहीं हुआ। 8 नंबर के जो नट हैं ये, और 8 नंबर की गोटी का यूज़ हो रहा है। अच्छी तरीके से टाइट करना है इसको। ये देख सकते हैं मेरा बिल्कुल फ्री है और इसके अंदर ज़रा से भी प्ले नहीं है, बिल्कुल ज़रा से भी प्ले नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं सिर्फ मेरा यह हाथ हिल रहा और सापट जो है ऊपर नीचे नहीं हो रही है। तो मैं ये दूसरी भी सिलाइयाँ डाल लूँगा। दूसरी सिलाई डालने के बाद जो हमारा ये जो टांगने का जुगाड़ है उसे भी कस लेंगे हम। दो वार्सल डालना है इसमें पहले। ये छत में टांगने का जुगाड़ है दोस्तों, आजकल ये बहुत चल रहा है। लोकल जो कमरे हैं जैसे किराएदार वगैरह हैं ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, दिहाड़ी मजदूर वगैरह। ये हवा बहुत तेज़ देता है, कूलर का है इसलिए। ये मेरा टाइट हो चुका। एक दूसरा आखिरी, दोस्तों ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ये बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका, मैं इसे चला के दिखाऊंगा आपको। ये टांगने वाला जुगाड़ हमारा पूरा बन चुका है। आइए मैं इसे चला के दिखाता हूँ डायरेक्ट करंट पे। ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरीके से चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। स्पीड भी इसकी अच्छी आई है। अगर स्पीड थोड़ी कम लगे तो हम कंडेंसर बदल सकते हैं, हालांकि मेरी स्पीड बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल बन चुका है। तो दोस्तों इसमें हम पंखड़ी लगा के एकदम तैयार हो गया है, पंखड़ी लगा के अब इसको चला सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।